हमारा गांव थोड़े ऊंचाई पे है तो फिर धूप वहाँ काफी टाइम तक रहती है, और जैसे ही धूप जाती है तो सीधे अंधेरा ही होता है। है रात का व्यू, अभी तो लगभग 6:30 हो रही होगी और अंधेरा हो चुका है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केटी व्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे, लेकिन थोड़ा सा समय मेरे व्लॉग को देखने के लिए ज़रूर निकालेगा। तो इससे पहले का जो व्लॉग था वो पार्ट 1 था, जिसमें मैं अपने ननिहाल गई हुई थी, उसके बाद मैं आ गई अपने गाँव। तो व्लॉग बहुत लंबा हुआ था इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अभी मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ, व्लॉगिंग की शुरुआत मैं यहाँ से कर रही हूँ। तो ये है मेरा गाँव सुकतोली, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे है ये गाँव। तो जो कल का व्लॉग है वो मेरे ननिहाल का है, और जो आज का है वो मेरे गांव का है। तो अभी रास्ते में आते हुए जो क्लिप्स मैंने शूट किया वो मैं इसके बाद ऐड करूँगी। तो बताती हूँ मैं आपको यहाँ पहुँच के क्या क्या हुआ। तो अभी दिन के 3 बज चुके हैं और हम कर्णप्रयाग से चल पड़े हैं अपने गांव की ओर। तो ये हमारा टोजो है, ये निरीक्षण कर रहा है कि पापा ठीक से गाड़ी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। नज़ारे कुछ ऐसे हैं, धूप वहाँ है और हमारा गांव थोड़े ऊंचाई पे है तो फिर धूप वहाँ काफ़ी टाइम तक रहती है, और जैसे ही धूप जाती है तो सीधे अंधेरा ही होता है। यहाँ पे रोड थोड़ा पतली है तो इसलिए दिक्कत आ रही है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने गांव, अभी रोड पे, अभी घर पे नहीं पहुंचे, और रास्ता ज़रा यहाँ ऐसे है, बहुत मोड़ है। तो मेरा पेट घूम रहा था तो मैं सो गई थी, तो मैंने रास्ते की वीडियो नहीं बनाई, तो बताती हूँ मैं। तो ये है हमारे गांव की रोड से नज़ारे, और ये देखिए, ये हमारे गांव का नाम सुकतोली, और अभी हम रोड पर हैं और हमने अभी यहाँ से ऊपर जाना है, और हमने गाड़ी वहाँ पे पार्क की हुई है। पापा अभी सामान निकाल रहे हैं और टोजो को हमने यहाँ पे बांधा हुआ है, और ये ऊपर से ये एक और डॉगी है तो ये इस पर भौंक रहा है। तो हम इसे समझा रहे हैं कि ये भी यहीं का है, बस काफ़ी टाइम बाद आया है। ये भी आ गया अपने गांव। ये यहाँ के रास्ते, उफ़ो, ये मेरी माता जी और ये पापा और वो चाचा जी सामान लेके आ रहे हैं। ये अपने गांव की उकाल चढ़ती हुई खुसरानी, ये एक मैं गौच तुम मैं मेरे बाबू की तो दी बोलो यहाँ बेटा उठ। हेलो गाइस, तो ये व्लॉगिंग चल रही है हमारे गांव सुकतोली से, डिस्ट्रिक्ट चमोली, उत्तराखंड। ये हमारी एक साई, हमारी है लेकिन यहाँ गाय नहीं है, और ये सामने पे शादी है तो उसकी तैयारियाँ हो रही है। मम्मी यहाँ गोबर किसका है तो जब हमारी गाय नहीं है? यही हुई थी मैं ये तो गोबर, यहाँ हमारी गायें रहती थी, और ये भी हमारी साई है, यहाँ मैं पैदा हुई थी गाइस। मम्मी यही जगह मिली आपको? पहले जमाने में ऐसे ही होता था कि साई में होते थे बच्चे। ओहो, हमारी जन्मभूमि।
ये बड़ा हो गया पिछले व्लॉग्स में, हाँ देखा होगा आपने इसे जो मैंने गांव के बनाए थे। बुआ पुफू इतने जोर से बोले यहाँ से ये है हमारा घर, ये हमारी ताई जी, ताई प्रणाम। ये हम पहुंच गए अपने घर और ये टो जो भी और ये हमारा घर। ओहो कोई नहीं रहता यहाँ पे, तो ये हमारा घर। लास्ट टाइम तो आए थे जनवरी में इसी साल, तो देखिए छोड़े हुए घर की हालत कुछ ऐसी है। तो अब हम जल्दी से चीज़ें संभालते हैं, थोड़ा धूप पे रखते हैं सामान भी। ये मम्मी की शादी में आए थे तो खुद ही बोला आपने। क्या दिया था तो पहले सामान निकाल देते हैं बाहर, तो हम फटाफट ये चीजें समेटते हैं क्योंकि रात को सोने की व्यवस्था भी करनी है यहाँ। खैर भगवान की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से हमारा ठीक रहता है घर। ये हमारी बुआ जी, अरे भैया भैया भी और भाई जरा बिट्टू बिट्टू, हेलो बिट्टू। ये हमारे बगल पड़ोस में जो रहती है ताई, उनका है बिट्टू, चक्रू भी है इसका नाम। और ये देखिए ये मेरे दादा दादी और उन्हें लगाया हुआ था, और ये फल अभी भी दे रहा है। तो कहते हैं ना पेड़ लगाया हुआ मतलब फल, मतलब मेरे दादा दादी ने लगाया था, शायद उनसे पहले लगाया हो किस मतलब उनके मम्मी पापा ने, मुझे पता भी नहीं है, बट फल हम आज भी खा रहे हैं। तो ये है मेरा घर, तो यहाँ अभी भी घर ये ऐसे पठ्याल वाले हैं, कुछ लोगों ने मॉडिफाई कर भी दिए बट कहीं ऐसे ही हैं। और यहाँ ये जो आंगन है वो भी ऐसा ही है पत्थर वाला। ये मेरी ताई जी, ताई हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। तो हमारे पड़ोस में रहती हैं, तो ये हमारी ताई जी, ये थोड़ा बहुत हमारा यहाँ का भी देखभाल करती हैं। और ये हमारा बैठक, ये ही यूज़ करते हैं। और देखिए आप हमारा घर, हम यहाँ नहीं रहते, दादा दादी भी अब है नहीं, बट फिर भी हमने कोशिश की है कि हम इसे भी देखते रहें और मेंटेन करके रखें। तो अभी यहाँ साफ सफाई करते हैं फिर दिखाते हैं आपको, क्योंकि अभी यहाँ के जो हाल हैं वो कुछ ऐसे हैं। ये हमने पानी छिड़का फिर ये सफाई हाल है बुरे, क्योंकि बिना पानी छिड़के तो ये धूल मुंह में उड़ता है। तो मैं अभी करती हूँ ज़रा मम्मी की हेल्प। तो ये थोड़ा मतलब ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे ना धूप ढलते ही रात होती है और धूप बहुत लेट में ढलती है। नहीं 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 पापा वो दोस्ती कर रहे हैं। तो पापा यहाँ थोड़ा लाइटिंग ठीक कर रहे हैं और मम्मी यहाँ लेके आ चुकी है चाय। चाय आपने तो नहीं बनाई होगी अभी, ताई ने दी। तो अभी हम पी रहे हैं चाय, वैसे तो मैं पीती नहीं हूँ ज्यादा बट अभी लग रही है जरूरत थोड़ी सी। थोड़ा पापा को देगी घर को? हाँ ज्यादा है घर की चाय, वो ताई की है। घर की चाय ताई जी ने बनाई हमारे लिए स्पेशल। मुंह फूक गया।
इसको कम कर लो ना, आप ही निकालो। तो अभी यहाँ पर पापा ने लाइट फिट की थी। वैसे भी यहाँ पर लाइट का कनेक्शन है क्योंकि नीचे जो है वहाँ पे हमारा बैठक है, तो हाँ वहाँ वाला बैठक जो हमारा वो यूज़ करते हैं हमारे बगल पड़ोसी। तो ऐसे में ये होता है कमरा यूज़ हो रहा है तो मेंटेन भी रहता है। और तो जो बाहर रो रहा है क्योंकि उसे थोड़ा सा अलग लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा तो करेगा ही शुरू शुरू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट भी आ गई है और हमने थोड़ा बहुत सफाई भी कर दी है। तो पितरों के आशीर्वाद से हमारे घर अभी अच्छे से हैं, चकाचक रहने लायक। और हम लास्ट टाइम जनवरी में आए थे तो फिर इतना कुछ मतलब है नहीं, साफ ही था, थोड़ा बहुत धूल मिट्टी तो हो जाती क्योंकि ये मिट्टी के घर हैं इस वजह से। तो ये हमने सामान अभी ऊपर ही रखा है, ये हमने बिस्तर लगा दिया, एक बिस्तर हम नीचे लगाएंगे या फिर यहाँ पे शायद फोल्डिंग चारपाई लगेगी, अभी देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये मिट्टी के घर हैं हमारे और यहाँ अंदर भी पूरा मिट्टी का है और ऊपर इस तरीके से है और यहाँ भी ये लकड़ी का है। तो ठीक है, अभी हमने सफाई कर दी। पापा ने थोड़ा पानी छिड़का था इसलिए ये थोड़ा गीला गीला हो रखा है क्योंकि धूल हो रखी थी मिट्टी के घरों में, तो सफाई करने के लिए पापा ने पानी छिड़का था। तो फिर हमने झाड़ू वाड़ू मारा और थोड़ा सा धूप थी जब तक, तब तक थोड़ा ये क्योंकि इतने टाइम से बंद है तो इसलिए थोड़ा सा धूप दिखा दिया और अब इन्हें पैक कर दिया क्योंकि धूप जा चुकी है, अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है तुरंत ही ना। तो जो लोग सनसेट या सनराइज़ के दीवाने हैं वो प्लीज़ मेरे गांव आइए क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे कमरे से बाहर निकलते ही आप देख सकते हो इतना प्यारा व्यू है। तो ये व्यू देख सकते हैं आप, लोग मसूरी जाते हैं इन व्यूज़ के लिए, आप हमारे गांव आइए। कमरे से बाहर निकलते ये बहुत अच्छा सनसेट दिखेगा आपको और सुबह सनराइज़ भी उतना ही अच्छा दिखता है। तो ये हो चुका है रेडी, अब रात के खाने की तैयारी तब करेंगे, पहले ज़रा हाथ पांव धो लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो लेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, बताती रहूँगी मैं आपको व्लॉग में, बने रहिए इस चीज़ के लिए। ये देखो ये मम्मी पापा, मम्मी ने बनाया था ये भैया और मेरा नाम, तो ये यहाँ लगा हुआ है और अच्छी कंडीशन में। और ये देख सकते हैं आप ये टेप रिकॉर्डर पता नहीं हाँ, पर मतलब इसमें पहले हम कैसेट सुनते थे। और ये घड़ी जिसके सेल शायद डाउन हो चुके हैं। तो अभी मैं हाथ मुँह धो के रेडी हो चुकी हूँ, रेडी फॉरवर्ड, किसी भी चीज़ के लिए रेडी नहीं, बस सफ़र से आए थे तो हाथ पांव धोए, मुँह धोया, क्रीम लगाई, मॉइस्चराइज़र, बाल बनाए क्योंकि उलझ गए थे इतने लंबे सफ़र में। तो बस कपड़े चेंज कर लिए और सच में यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये मतलब इतने टाइम से बंद था घर, यहाँ कोई नहीं रहता, एक पर्सन भी स्मेल नहीं है, सब ऊपर वाले की कृपा है। अभी मम्मी नीचे कर रही है खाने की तैयारी, तो चलते हैं मम्मी की थोड़ी हेल्प करते हैं, दिखाती हूँ आज क्या करते हैं हम डिनर में। तो अभी मम्मी ने मुझे काम दे दिया, ये मिठाई का डिब्बा लाए थे हम, तो बगल में एक फूफू रहती है वहाँ देने का। खाते रहना। और कैसे हो आप, हेलो कर दो, ऐसे करो। हाँ हाँ कौथा के नाना कोच भाई तो अलग कर तुम्हें नहीं, बहुत सुंदर लग रहे ये भाई, हमारे काम लिखे थे सोचो कर भाग होता। और कैसे हो आप है? मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, ये वीडियो ये। तब कुछ बोलोगे क्या बोल मिला कुछ नहीं कुछ नहीं बोल दोन भाई क्या कौन मिला कोई बात नहीं। तो ये हमारी फूफू राम, तो जब मैं कैसा तू भर के हमारे काम लगा दिया, तो अच्छा इतने सुंदर आ रहे, देखो देखो कितने सुंदर आ रहे, और तुम उधर आए हो। हाँ तो ये है रात का व्यू, अभी तो लगभग 6:30 हो रही होगी और अंधेरा हो चुका है, मैंने बताया था आपको यहाँ धूप जाती है और अंधेरा हो जाता है। तो ये सामने जो पहाड़ है वहाँ पे गांव होंगे तो ये लाइट्स दिख रही हैं, ओ उतने ऊपर तक भी हैं, इतने ऊपर तो यही है पर इससे भी ऊपर है। और ये टो जो हमारा, और मम्मी धो रही है अभी हरी सब्जी जो हम अपने गार्डन की लेके आए थे देहरादून से ही।
तो जो अचैन हो रखा है, जैसे बांध रखा है कहीं, यहाँ गांव में भागेगा इधर उधर तो पता नहीं। ये है हमारा किचन, ये बाहर, ये लकड़ियाँ भी रखी हैं ज़रूरत पड़ने के लिए, जब ज़रूरत पड़े तो काम आ जाए। ये साग सब्जी सारी वहीं से लेके आए हैं। ये चूल्हा रखा है यहाँ, ये सिलेंडर, तो इसी पे बनाते हैं, क्योंकि लकड़ियों से बनाने के लिए तो बन जाए, पर वो लकड़ियाँ धूप नहीं दिखाई ना उन्हें, तो जलेंगी नहीं जलेंगी, वरना चूल्हा ये है। देखेंगे पानी वगैरह गर्म करने के लिए जलाएंगे। तो ये है, यहाँ गांव में ऐसे रहते हैं चूल्हे मिट्टी के। और ये डिबला, इसे यहाँ हमारे यहाँ डिबला बोलते हैं। और ये है गागर, ये लोठिया, ऊपर ये सब्जी वगैरह रखी है मम्मी ने, बर्तन रखे हैं इसमें हमने, और बनाते हैं हम इसी में। गैस चूल्हा रखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं गूंथती हूँ अब आटा। ये देख सकते हैं आप, ये इन्हें बोलते हैं बिंगे, मतलब चीज़ें रखने के लिए। और यहाँ भी ऊपर लकड़ी का है। और ये मुझे लास्ट टाइम बताया था मम्मी ने कि ये जो है ये ना बैल के मुंह पे लगाने के हैं शायद। मुझे तो टोकरी लगते हैं वो। और ये देखो ये बिंगे, हमें तो हमारे यहाँ तो बिंगे बोलते हैं, आप लोगों के वहाँ कुछ और बोलते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसमें सामान रखने के लिए ये यूज़ होते हैं। यहाँ पर ये चक्की भी है, पहले इससे चक्की पीसते थे इसके। अब मम्मी ने मुझे फिर भेज दिया एक डिब्बा यहाँ बगल वाली ताई को देने के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ, अब मैं आटा गूंदूंगी। मम्मी का लुक इन ससुराल। तो ये मैं गूंद रही हूँ आटा और मम्मी बना रही है सब्जी। ये दाल रखी हुई है मम्मी ने और ये हरी सब्जी बनाएंगी। तो हमें अपने घर पे ही बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि इतना टाइम बाद आते तो घर का चूल्हा जलना चाहिए। और बगल वाली ताई जी भी हमारे यहाँ ही खाएंगी। मम्मी कैसा लग रहा है आपको अपने ससुराल में खाना बनाते हुए? तो ये मैंने गूंध दिया है आटा और ये मम्मी की हरी सब्जी भी बन गई है। अब दाल के लिए मम्मी काट रही है ये प्याज और टमाटर। तो देखिए दोस्तों, हम पापा मम्मी और मैं, हम बैठे हैं अपने गांव के किचन में और हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये मोमेंट। और ये हमारी दाल ऊज रही है और हमें भैया की बहुत याद आ रही है। तो ये देखो, ये बगल में शादी हुई थी तो ये उसकी मिठाई, ये है अरसे। और ये दूध लेके आई बगल वाली ताई जी, तो गांव में यही चीज़ अच्छी लगती है। तो ये हम बना रहे रोटी, मैं बेल रही हूँ जो कि मुझे कुछ ढंग से आता नहीं है फिर भी। और ये मम्मी पका रही है। तो ये हम खाना खा रहे हैं, मम्मी पापा और मैं। जो बगल वाली ताई जी थी वो खाना लेके चली गई अपने लिए, क्योंकि वो थोड़ा काम करी थी। और ये वाली जो ताई जी हमारी, ये हमसे गप्पे मारने आई हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 8:50 और हमने खाना खा दिया, मम्मी ने भी बर्तन धो दिए। तो अब हम सोते हैं थोड़ी देर में। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।